Oh, you want something? Oh, you want something? Oh, you हाँ हाँ ठीक है ठीक है गाइस, आज सुबह सुबह के टाइम में हमारे घर पे ना भूत आए हुए। हम सब जना मीर हमजा सब जना भूत है क्या? आके ये देखना, अभी बंद है ना, खुला हुआ देखना गाइस। हाँ, तो ऐसा खुला भी बंद हो जाएगा। अभी बंद हो जाएगा, बाहर से भी कोई नहीं है, कुछ है भी नहीं, दिख भी नहीं। अगर तुम यहाँ पर मौजूद हो तो अपने होने का एहसास दिलाओ हमें। और लाइट भी नहीं है वैसे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मतलब कोई बंदा नहीं है। आप ये हैंडल का है, ये देखते हैं कोई बंदा है। अभी कोई नहीं, अब नहीं करेगा ये। अब उसको पता ना वीडियो बन रही है, फिर अभी करके बता दूँ। अभी भूत को पता चल गया, अभी भूत डर गया तुम हम लोगों से। अभी डर गया। अब बंद हो गया फिर से। अभी खुलेगा, अच्छा हवा वगैरह भी कुछ भी नहीं है। गाइस हवा वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि लाइट तो है नहीं। ये देखो पंखा भी बंद है ऊपर सब कुछ। और मीर 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 भी वो देख फिर से खुल गया। मीर ये क्या हो रहा है? मीर छुप जाओ। फिर कौन है? अभी तो वाकई में डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? आप नहीं खुलेगा क्योंकि आप जो ना ये पूरा बंद हो चुका है। ये सारे भी यहाँ पर डरे हुए क्योंकि हम लोग सो रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये पहले वहां पर खेल रहे थे, हालांकि हवा वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले हमें लगा फादिया, लेकिन फादिया वादिया कोई भी नहीं था। खैर अभी तो पूरा बंद कर दिया इसने। जैसे ये बंद हुआ है इतने जोर का। ये लोग वहां पे खेल रहे थे, यही शोर था क्योंकि भूत हुआ उस टाइम। भूत का नाम लिया और भूत आ भी गया। चल अभी तो उसने पूरा बंद कर दिया ना, सही वाला। सो जाओ सो जाओ। तो जाओ कि उधर से भूत लेके चला जाएगा आपको। भाई अभी डर के मारे ना हम लोग ने इसको इतना खोल दिया तो कि अभी अगर होगा तो अभी पर चलेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे अब सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत होंगे, अच्छे तुम नए लोग कह लें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नहा धोके फ्रेश हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 से मीर भी बेहतर है और दुआ भी बेहतर है। सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर हैं और ठीक है चले माशाल्लाह से। और जरा सुबह हमारे पास भूत हुआ था, मुझे लगता है वो भूत नहीं था, बस हवा की वजह से कह रहा था, शायद वो बाहर की वो खुली हुई थी ना तो उसकी वजह से। वे तुम लोग किधर है? चलो भागो यहाँ से। चलो हमजा हमजा सलाम करो। सलाम कैसे हो? सब ठीक हो? आप सब और ठीक हो? मीर कहाँ गया? गया जी। वे मीर मीर सलाम करो, सलाम करो। वे माशाल्लाह, अभी इनको गाइस मैंने नोबलाइज किया तो अभी जो ना ये इसको किया, अभी जो ना वो दुआ कर रही है, दुआ अच्छी उसको लगा दो बैठ जाते सुकून से। ये जो ना रोता है थोड़ा वो नहीं करता, लेकिन ये है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी निकालो, फिर निकलो। होंठों से आवाज निकलेगी लेकिन हमारे कानों में नहीं आएगा, तो फिर ऐसी आवाज का क्या फायदा भाई? और ये तो मैं भी कर लेता हूँ, इधर बैठो। अभी आप करो जी, बस वो देखो माशाल्लाह से मीर भी कर लेते हैं। ये देखो ये देखो, अब ये देखो जी माशाल्लाह। हाँ अलग आवाज से, मुझे लगा कि बोले अल्लाह के वास्ते ऐसे कुछ। अच्छा अलग आवाज, हाँ जी माशाल्लाह जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ निकल गिर करो, बस ठीक है, बस बस ठीक है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो हम तू तो जा यार। अभी मैं घर से बाहर जाता हूँ, जा रहा हूँ अपनी बीवी से तंग आकर घर से निकल रहा हूँ भाई। जब देखो अवे 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 अवे, उसको भी यही बोल कह रहा है अवे, मतलब मुझे बोलते बात सुनो, मतलब फिर मुझे बार बोलते अवे 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 अवे।
बात सुनो बात सुनो बात सुनो, मतलब यही होता है ये बात वो बात, मैं तंग आ गया कान पा से, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सारे दरवाजे खोल के ना अभी अभी बाइक निकालनी है, बाइक निकाल के बाहर जाऊँगा। अवे 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 अवे। सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे खड्डा मार्केट में, मेरे साथ हमजा आ गया था। हमजा अभी हम लोग क्या करने आए यहाँ का, पैसे निकालने आए। क्या करने? पैसे निकालने आए। गाइस हमने पैसे भी निकलवाए और अभी हम लोग जाएंगे अब्बू के पास। अब्बू बोल रहे अभी मुझे रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा क्या बोल रहे अब्बा? रोकड़ा मतलब पैसे चाहिए। तो अब्बू को चलते हैं पैसे देते हैं और फिर घर चलते हैं, मैच देखते हैं PSL का। गाइस अभी हम लोग घर पे हैं तो हमें देखने को मिलता है डड्डू। डड्डू इधर देखो भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, डड्डू तो आज नए कपड़े पहन के आए। ओ हो हो डड्डू आज तो फुल तैयार है, कहाँ जा रहे हैं डड्डू जी? बोल देता हूँ, इसने जो ये पहना ना, हाँ जी लड़की को वाला है। हाँ डड्डू आज मेल है। अरे नहीं ये लड़की लड़कियों वाला है। डड्डू देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, छोटे होते हैं ये। हाँ छोटे हाँ, नहीं नहीं प्यारे लग रही। ये मेकअप किसने कराया? खुद किया तुमने? नहीं, ओहो मम्मा ने करवाया। अरे वो तो बोले मैंने खुद किए। ठीक है ठीक है ठीक है। और गाइस आज हम लोग PSL लगा तो PSL का मैच देख रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस अभी मैं घर पे आया था, मेरे पास पड़ा हुआ ये GoPro कैमरा पड़ा, GoPro 10। ये देखो इसके ऊपर वीडियो बन रही है, मतलब इसकी दो LCD, एक ये और एक ये वाली है। कैमरा इसका बहुत ज़बरदस्त है, आईफोन सबसे जो ना बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन मसला ये है कि मैं इसको अभी यूज़ करता नहीं हूँ, मैंने इसको लिया था जब मैंने वो अपनी न्यू बाइक ली थी ना तो उसके लिए। अबे बंद हो जा, रुको मैं इसको बंद कर लूँ। सो गाइस ये रहा हमारा कैमरा, अब इसको साफ़ वगैरह करके ना डब्बे के अंदर रखते हैं और मैं जा रहा हूँ इसको सेल करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने इसको लिया तो था वो मोटो व्लॉगिंग उन चीज़ों के चक्करों में, लेकिन उसके बाद मैंने कभी इसको यूज़ किया ही नहीं है। तो जब यूज़ नहीं किया तो फिर इसको बेच देते हैं, इसको बेच के ना ये जो इन लोगों ने मोबाइल तोड़ा है ना तो उसके बदले अभी इनको दूसरा मोबाइल लेकर देते हैं। बस अभी यही हाल है मेरे पास। मैंने इनको बोला इससे व्लॉग बनाओ लेकिन ये बोलते हैं हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, तो फिर इनकी मर्जी है भाई। अच्छा बोलते हैं इससे व्लॉग भी नहीं बनाएंगे और बोलते हैं इसको बेचो भी नहीं, ये भी सही बात है भाई। चलो अभी चलते हैं, आज संडे है बस अल्लाह कर मार्केट खुली हो। ऐसे हम लोग बेचेंगे, कैमरे वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं तो मैंने इनसे बात की है तो फिर ये बोले कि हम ले लेते हैं, तो अंदर चलते हैं। आज हम सब गाइस सदर से होकर हम लोग आ गए थे लेकिन मसला ये था कि वहाँ पर जो ना क्या बोलते हैं शॉप्स वगैरह सारी बंद थी, एक ही खुली हुई थी। जो हम लोग वहाँ पर बैठे रहे पहले तो वो बंदा था नहीं, जब आया तो उसने रेट ही ऐसा बताया कि मेरे यहाँ से धुआं निकल के, मैंने बोला एक दुकान के नीचे और यहाँ चला जाऊँ। मतलब मैंने उसको बोला नया है बिल्कुल, बोलते हैं भाई अभी तो ये सस्ते हो गए ये हो गए, तो मतलब उसने रेट ऐसे बताया कि मैंने बेचने का दिल ही नहीं किया। हालांकि मैं तकरीबन कब एक डेढ़ महीना पहले ना जब मार्केट खुली हुई थी वैसे ही मैंने रेट लगाया था, बेच रहा नहीं, वैसे मैंने सोच रहा था कितने का है। ओए दुआ, तो मैं सोच रहा था कि भाई क्या बोलते हैं दुआ यार मेरे को मार रही थी, तो मतलब वैसे रेट लगा था उसका 90,000 लगा था उस टाइम पे। ओ ओ मीर यार तो तू है, अब क्यों आए इधर, चलो जाओ। तो बस कल पूरी मार्केट खुलेगी ना फिर जाएंगे, नहीं तो फिर वो अपने ही रेट लेकर। वैसे मैंने उसको ना अभी मुझे किसी ने बोला ओएलएक्स पे डाल दिया मैंने उसको, वहाँ पर ये बिक जाएगा यार। ये घर वाले एक तो ये लेजी पीपल है, इनको मैंने बोला खुद ही यूज़ करो, बोले नहीं हमें मोबाइल पर लगाता है GoPro से हम नहीं बनाएंगे, तो चलें अभी जो है फिर वही है। और गैस अभी चलते हैं पानी भरते हैं और उसके बाद क्या करना, फिर मुझे अपनी दवाई भी लेने की सुस्ती हो गई है ऐसे तो थोड़ी देर बाद जैसे ना जिसमें कुछ भी बिल्कुल लेजी जैसे बन गया था वैसा हो गया। और दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था, हाँ दूसरा ये कि खांसी बहुत ज़्यादा हो गई मुझे भी, बच्चों के साथ साथ ना अभी मुझे भी होगी अच्छी खासी खांसी हुई है। और जो ना मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा हो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही दवाई ले लूँ। तो भाई यहाँ पर ये देखें मैंने अपना मतलब दूध अंडे ब्रेड बच्चों का फीडर पानी सब कुछ भर के आ गए और अभी चलते हैं घर। और ये देखें गाइस ये बंद है और इसका जब दिल करेगा जब जलेगा, जब दिल करता है बंद हो जाता है, मतलब 2 मिनट जलता तो 10 मिनट बंद होता है और हमारा ही चलता रहता है। बस क्या बोले अभी इसको, अभी लगता है जलने वाला है। मैं आपके लिए न्यू फीडर लाया हूँ। नहीं, अच्छा दो अपने भाई को, खुद दो भाई को, दे दो बस अभी खुश हो जाएगा भाई। ये आपके लिए गिफ्ट है भाई, बाबू भैया ये बहुत प्यारा है ये लो। अबे यार अभी घर पे आऊँ तो ये बोलते हैं मेरे कान में दर्द है, इधर आ भाई अभी इसकी शुरू शुक्र में किस वाले में
क्या यार, एक ठीक हो तो फिर दूसरे के कान में दर्द पड़ जाता है। ए, क्या तुम लोगों को, बताओ मुझे कौन से कान में दर्द है? इस वाले में। अच्छा रुक जाए, मैं इसमें गैस, मैं इसके कान में दवाई डाल लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गैस मुझे जो ना खास, तो मुझे ये वाली दवाई दी है, इसके कान में जो ना हमने दवाई डाल दी है। कुछ हुआ है कान में? कोई हुआ है कुछ? कुछ हुआ है? शू 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 शू, ऐसे कुछ हुआ है? मीर 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 बेबी, क्या हुआ आज? बेबी की तबीयत ठीक है? चलो भी जाओ, ओ भाई जाओ इसकी दवाई लेकर, इसको टेस्ट का टाइम हो गया। दवाई पिला लिए? किसने पिलाई है? ओहो, मीर दवाई पी ली? अच्छा अच्छा, ये वैसे ही है। हाँ भाई, कोई फर्क पड़ा? चलिए तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंकल टीम थी आपके साथ में थी, आज मैं कहीं ज़्यादा गया नहीं, ना ही फैमिली के साथ गया, बस अल्हम्दुलिल्लाह सब भैया अभी हमारे घर पर। खुशखबरी एक तो ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक भाई बेहतर हो चुके हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब बस ठीक हो गए, तो बहुत खुशी होती है बच्चों को तो खुश देकर। और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं आज, चले ये भी अल्लाह का शुक्र। और गाइस एक और गुड न्यूज़ है कि भाई मैं अपने मोबाइल की वजह से बहुत परेशान था, उसकी मैं LCD पूछ रहा था, वो जो उसका पैनल मिलता है, तो भाई वो बहुत महंगा था, मैं उसको तो क्या बनाऊँ। फिर भाई मुझे जो ना एक बंदा मिला लाहौर से ना, वो वहाँ पर बेचते हैं ऑनलाइन, तो अभी मसला ये है कि उसके ना जो ID वगैरह सब कुछ खुले हुए हैं ना, तो उससे ना वो दूसरे मोबाइल ट्रांसफ़र नहीं, क्योंकि कोड सब कुछ उधर ही जा रहे हैं, वो उसी के ऊपर मतलब सब कुछ वही सीख किया हुआ है, उसके अंदर पासवर्ड भी उसने सेव किया, सब कुछ याद ही नहीं है कुछ सही तरीके से। और जो है ना क्या बोलते हैं गाइस, हाँ और क्या था कि हाँ जो बंदे का बता रहा था वो ये था कि भाई उसने मुझे, मैंने उनसे रब्ता किया भाई वहाँ पर ना उनके पास पैनल है, मतलब जैसे हल्का फुल्का जो ना किसी जगह पर हल्का सा ब्लॉट होता है डॉट तो वो जो ना बहुत सस्ते दे रहे हैं, मतलब वो बोले 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार सोने पर सुहा गए और क्या चाहिए, चलो हल्का ये मेरा बिल्कुल छोटा सा था, उसने मुझे देखा, उसके पास बहुत सारे पड़े हुए, तो कल मेरा एक बंदा है वो वहाँ पर जाएगा चेक करेगा, फिर वो मुझे यहाँ पर भेज देंगे, तो मैं फिर यहाँ पर लगवा लूँगा। चलो ये अच्छा है भाई, नहीं तो वो 70-80 हज़ार की कहानी मैं लेकर बैठा था, लेकिन जब मैं इसको लेकर गया, उन्होंने बोला भाई साहब 1 लाख मैंने कितने की LCD है उसकी पैनल है, क्योंकि उस मोबाइल की जो कीमत है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जो न्यू मोबाइल है बिल्कुल 3.5-4.5 लाख तक है, ऐसे उसकी जो ना कीमत चले, तो जैसे उसकी वो फ्लिप की आपको पता है ही सारा कुछ, वो LCD जो पैनल है उसका वही है, तो ये अच्छा मैंने डोट है वो है, तो उसको जो ना भाई उसकी हम खैर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डेटा भी है, फ़ोटोज़ हैं शायद अपने क्या से क्या रखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे जितने दिन चलेगा चलेगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग कोई और ले लेंगे जितने दिन चलेगा। तो फिलहाल जो उसके अंदर जो सब चीज़ें वो भी निकल जाएंगी, तो 8-10 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद है। तो चलो ये मुझे आज बहुत खुशी हुई है। अच्छा GoPro भी नहीं बिका, तो मेरे ख्याल से वो इसी वजह से नहीं बिका, क्योंकि हम लोग गए थे ना, तो वैसे तो पूरी मार्केट बंद थी, एक बंदे के पास एक गए वो बैटर आया नहीं था, जब आया तो भाई उसने मेरी GoPro का रेट लगाया था कितना, 60 हज़ार रुपये लगा देते हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैं, क्योंकि वो अभी उसकी जो मार्केटिंग रेटिंग है ना भाई, मार्केट का न्यू का जो रेट है वो 1 लाख दराज पे, मैंने देखा 1 लाख 10 हज़ार पानी कुछ ऐसे चल रहा है, तो वो मुझे झूठ बोल रहा है कि 70 हज़ार का नहीं आ रहा है, मैंने बोला भाई कहाँ पे आ रहा है, तो वो ऐसे बोलते हैं यहाँ पर यार बहुत फ्रॉडी है सदर के साइड पर, तो बोले 75 हज़ार का नहीं आ रहा है, मैंने बोला भाई आप मुझे दिला दो, फिर चुप हो गए, तो क्योंकि मैंने दराज पर देखा, नेट पर देखा उसका रेट है ही नहीं, तो मैंने उसको मतलब, और मैंने उसके साथ मीडिया पोर्ट भी था उसके साथ में ना, तो वो भी मैं उसको दे रहा था, तकरीबन मैंने वो 23 हज़ार का मीडिया पोर्ट लिया होता, तो हालांकि मैंने 1-1.5 महीने पहले 2 महीने पहले कहता मुझे 85,000-90,000 रुपये उसका रेट लगा था, लेकिन जो ना मैंने उस टाइम बेचना ही था, मैंने वैसे ही लगा लिया था, तो मैंने सोचा आज उसको बेच के इनको मोबाइल लेकर देता हूँ, खैर अभी उसको बेचेंगे नहीं, उसको रख देंगे, फिर कभी हम लोग जब मोटो व्लॉग कुछ करेंगे तो उसका काम आ जाएगा, या फिर बाद में देखूंगा मैं खुद उसके, उसके यार कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बस थोड़ा वो मेरे पास अभी iPhone तो इससे तो काफ़ी है, लेकिन जब ये नहीं था ना तब मुझे वो काम आता था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था बहुत, और उसका वाइड एंगल तो वो बहुत ज़बरदस्त था, तो खैर अभी उसको फिर से रख देंगे, अभी उसको रख देंगे, फिर बाद में जो ना देखेंगे कभी उसको यूज़ करना पड़ता, जब हम लोग गाड़ी पे कहीं सी जगह अच्छी जगह जाएंगे ना, तो फिर उसको फिक्स कर देंगे और रिकॉर्ड कर जाएगा। तो बस इसी के साथ गाइस वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।